हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं हूं रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है निश जर्नलिज्म। इन अ कंसिस्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, जर्नलिज्म इज पुशिंग इट्स बॉर्डर्स टूवर्ड्स अननोन एंड लेस नोन एरियाज। जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स जैसे जैसे जो हमारी दुनिया है उसमें किस तरह के चेंजेस, सोशल चेंजेस, कल्चर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे ही जो जर्नलिज्म है उसने क्या करा है, उसने अपना जो दायरा है वो काफी बढ़ा लिया है। कहाँ बढ़ा लिया है? कुछ ऐसे अननोन एंड लेस नोन एरियाज हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, वहां तक जो है जर्नलिज्म पहुंच चुका है। वन अमंग दिस इज निश जर्नलिज्म, जर्नलिज्म दैट हैज अ स्पेसिफिक टारगेट रीडरशिप व्हिच जनरली एड्रेस मैगजीन न्यूज़पेपर इन द प्रिंट मीडिया डू नॉट कैटर टू। ऐसा ही एक एरिया है निश जर्नलिज्म। ये ऐसा जर्नलिज्म है जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन जिन ऑडियंसेस को कवर नहीं करते हैं। इट कुड बी कॉल्ड काइंड ऑफ स्पेशलाइज राइटिंग बट नॉट प्रिसाइजली सो, बिकॉज स्पेशलाइज जर्नलिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे न्यूज़पेपर दैट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ मोर जर्नल रीडरशिप। इसको हम एक तरह से स्पेशलाइज राइटिंग भी कह सकते हैं, बट इतना क्लियरली हम इसको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशलाइज जर्नलिज्म है वो हमारे जो डेलीज आते हैं, जो न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें भी कुछ कंटेंट होता है स्पेशलाइज ऑडियंस के लिए, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर एक स्पेशलाइज जर्नलिज्म नहीं कह सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज द डेली न्यूज़पेपर वेयर यू हैव अ सेपरेट स्पोर्ट्स पेज और एन एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट। और इसका हम उदाहरण ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारे डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें कुछ सेपरेट सेक्शंस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का पेज होता है, एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट होता है, तो काफी हद तक वहां पर भी ऑडियंस को मटेरियल मिल जाता है। द कलर सप्लीमेंट समटाइम्स फुलफिल द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक रीडरशिप बट आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द जनरल न्यूज़पेपर। कुछ कलर सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि जो स्पेशलाइज ऑडियंस होती है उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, बट जैसा कि आपको पता है वो जनरल न्यूज़पेपर का पार्ट होता है, कोई मतलब स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस उनकी नहीं है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें स्पोर्ट्स कॉलम भी है और उसमें एडिटोरियल्स भी आते हैं, एंटरटेनमेंट भी आता है, लाइक दैट। बिसाइड्स कलर पुलआउट्स फॉर वीकेंड्स एंड संडेज ऑल्सो हैव एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इन माइंड एंड दैट इज वाई वन कम्स अक्रॉस सो मेनी सप्लीमेंट्स एडेड टू द डेली न्यूज़पेपर। कलर पुल आउट्स जो कि ज्यादातर वीकेंड्स और संडेज पर आते हैं, और उसके अलावा क्या होता है, एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी भी होती है माइंड में। जैसे कि वीकेंड है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है किसी प्रोडक्ट के लिए वो कैसी रहेगी, तो इसलिए ऐसा होता है कि हमें जब हम न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं तो हम हमारी जो काफी सारी हम देखते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, काफी तरह के सप्लीमेंट्स उस न्यूज़पेपर में आते हैं, तरह तरह के जो हम लोग देखते हैं। निश जर्नलिज्म देयरफॉर इज ए नैरोअर इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑडियंस बट पैनोरमिक विद इन अ गिवन सब्जेक्ट। जो निश जर्नलिज्म है वो उसका एक जो दायरा है वो काफी मतलब काफी छोटा दायरा है बट स्पेसिफिक है। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो उसका दायरा है मतलब काफी डीप है, वो पर्टिकुलर उसी पर फोकस कर रहा है, जबकि इसका दायरा छोटा है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज मिलती है। ट्रैवल मैगजीन्स आर जस्ट वन एग्जांपल ऑफ नीश जर्नलिज्म। जैसे जो ट्रैवल मैगजीन्स होती हैं वो एक नीश जर्नलिज्म का एक उदाहरण है। नीश जर्नलिज्म इट मे बी पॉइंटेड आउट नीड्स एक्सपर्टीज बोथ इन द नीश सब्जेक्ट व्हाट इज राइटिंग ऑन एज वेल एज अ कमांड ओवर जर्नलिस्ट राइटिंग। नीश जर्नलिज्म में क्या हो सकता है कि जो जो भी उसको लिख रहा है, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसकी जर्नलिस्ट राइटिंग होनी चाहिए, उसमें स्किल्स होने चाहिए कि जर्नलिज्म जो हमारी जर्नलिज्म की राइटिंग है वो कैसे करी जाती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जिस सब्जेक्ट के बारे में वो लिख रहे हैं, जिस मीन जिसका फोकस जो पर्टिकुलर ऑडियंस के बारे में वो लिख रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में उनको थॉरली नॉलेज होनी चाहिए। अ कंप्यूटर मैगजीन फॉर इंस्टेंट विल नीड कॉलमनिस्ट एंड जर्नलिस्ट who not only know everything about a particular area of computers such as virus programs but also have the ability to write the article in easily comprehensive English or the regional language the magazine subscribes to.
जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, जैसे एक कंप्यूटर मैगजीन है, तो उसमें जो कॉलम लिख रहे हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक तो कंप्यूटर्स की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, जैसे कि वायरस प्रोग्राम है, बट उनमें ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो आर्टिकल लिख रही हैं उसकी लैंग्वेज कैसी हो, उस लैंग्वेज के लिए नॉलेज होनी चाहिए, और जो मैगजीन मान लो किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में आती है तो उस लैंग्वेज की भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। मैगजीन स्पेशलाइजिंग इन स्टॉक्स शेयर्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विल नेवर रिक्रूट रेगुलर जर्नलिस्ट, नेवर माइंड हाउ एक्सपीरियंस एंड हाउ गुड दे आर एट देयर जॉब। जैसे कि कुछ मैगजीन्स होती हैं जो फाइनेंस के बारे में होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में होती है, वो कभी भी ऐसे जर्नलिस्ट हायर नहीं करती हैं कि जिनको इस मतलब फाइनेंस की नॉलेज ना हो। बेशक वो जर्नलिज्म की कितनी भी उनको महारत हासिल हो, लेकिन जब तक उन्हें फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी तो ऐसी मैगजीन्स उनको रिक्रूट नहीं करेंगी। इट नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी टू चर्न आउट आर्टिकल्स ऑन द फ्लक्चुएटिंग स्टॉक मार्केट। उन्हें ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत होती है जो स्टॉक मार्केट की, जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, तो इस तरह की नॉलेज जर्नलिस्ट को होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स।